पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जारी उथल पुथल के बीच एक नया मोड़ आया है। पाकिस्तानी टीम के वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन की वजह से इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं। इस बीच पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी से मुलाकात की है। अनवर ने अफरीदी को देश के खेल मामलों में सक्रिय रूप से शामिल होने का अनुरोध किया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया है जब 5 नवंबर को ज़का अशरफ का कार्यकाल खत्म हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए पिछले कुछ महीने बेहद ही उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। ज़का समेत इस साल 3 लोग पीसीबी की अध्यक्षता कर चुके हैं। ज़का के कार्यकाल की समाप्ति के बाद 4th चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा, जो पाकिस्तान में होने वाले अगले आम चुनाव तक पीसीबी चेयरमैन का पद संभाल सकता है। क्रिकेट पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक ने गुरुवार को शाहिद अफरीदी से मुलाकात की है। उन दोनों के बीच क्रिकेट के कई पहलुओं पर भी चर्चा हुई है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान की टीम लगातार 4 मैच हार कर वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर है। आपको बता दें कि शाहिद अफरीदी ने नदीम सेठी के कार्यकाल के दौरान मुख्य चयनकर्ता के रूप में भी काम किया था, लेकिन ज़का अशरफ के कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया था। दोनों के बीच संबंध भी अच्छे नहीं है। हाल ही में शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम के कथित चैट लीक मामले में अशरफ की कड़ी आलोचना भी की थी। पाक पीएम और अफरीदी के बीच मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अशरफ को हर तरफ से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर होने की कगार पर खड़ी पाकिस्तान टीम को लेकर पीसीबी ने एक बयान जारी कर टीम को मुश्किल में डाल दिया है। इसमें कहा गया है कि कप्तान और मुख्य चयनकर्ता को टीम चयन में पूरा अधिकार था। इस बयान के बाद ज़का अशरफ आलोचनाओं से घिर गए। इसके साथ ही पीसीबी प्रबंधन समिति के सदस्य जुल्फिकार मलिक ने भी अशरफ पर गलत काम करने और असंवैधानिक निर्णय लेने के आरोप लगाए हैं।